नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सोशल मीडिया पर चल रही स्वास्थ्य को लेकर अफवाहों का गृह मंत्री अमित शाह ने किया खंडन, कहा मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं, काम में व्यस्त होने के चलते नहीं दिया अफवाहों पर ध्यान। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में अफवाह फैलाने को लेकर 4 गिरफ्तार, अहमदाबाद और भावनगर से हुई गिरफ्तारी। कार्डिक अरेस्ट के बाद छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत गंभीर, बेटे अमित जोगी का ट्वीट, अब ईश्वर की इच्छा पर सब कुछ निर्भर। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 59,000 के पार, 24 घंटे में फिर सामने आए 3,000 से अधिक मामले, 17,000 से अधिक मरीज पूरी तरह हुए ठीक। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए बदले नियम, अब सिर्फ गंभीर रूप से बीमार मरीजों का होगा आरटीपीआरसी टेस्ट, मरीजों को स्वस्थ होने पर 10 दिन में अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20,000 के करीब, मुंबई में कोरोना को लेकर बिगड़ रहे हैं हालात, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पैरामिलिट्री लगाने के दिए संकेत। गुजरात पहुंची एम्स के डॉक्टरों की विशेष टीम, अहमदाबाद पहुंचकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने डॉक्टर को दिए इलाज के टिप्स, गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर विशेष विमान से पहुंचे डॉक्टर। अहमदाबाद में स्वास्थ्य टीम पर लोगों का हमला, पुलिस ने आंसू गैस का किया प्रयोग, अहमदाबाद में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना केस। सूरत में फिर सड़क पर उतरे मजदूर, घर वापस भेजने की मांग, पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग कर मजदूरों को खदेड़ा, पहले भी सूरत में हो चुका है मजदूरों का प्रदर्शन। लॉकडाउन में घर लौटने वाले प्रवासी मजदूर निकल रहे कोरोना पॉजिटिव, बिहार में 150 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव, झारखंड में भी तेजी से बढ़ रहे हैं केस। अब प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र, 2,00,000 प्रवासी मजदूरों को वापस नहीं ले रही ममता सरकार। औरंगाबाद हादसे के बाद वेब दुनिया से बोले प्रवासी मजदूर, गांव में रोजी रोटी के लिए कुछ भी कर लेंगे लेकिन अब परदेश नहीं जाएंगे, तालाबंदी के बाद घर पहुंचने में लंबी जद्दोजहद का करना पड़ रहा है सामना। लॉकडाउन के चलते भोपाल में फंसे जम्मू कश्मीर के 365 छात्र अपने घर के लिए रवाना, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भेजने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश में श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर राजनीति तेज, बसपा प्रमुख मायावती ने मजदूरों के काम के घंटे 8 से 12 करने पर जताया एतराज, का कोरोना संकट के समय मजदूरों को मदद और सहानुभूति की जरूरत। मध्य प्रदेश में भी श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर शिवराज सरकार पर हमलावर हुए विपक्ष, शिवराज सरकार को बताया गरीब विरोधी, दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। दुनिया में 40,00,000 के पार हुए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, 2,70,000 से अधिक की मौत। अमेरिका के व्हाइट हाउस में कोरोना पॉजिटिव दूसरा केस आया सामने, उपराष्ट्रपति कार्यालय में प्रेस सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव। भोपाल रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, मालगाड़ी के एलपीजी टैंकर में रिसाव से मचा हड़कंप, काफी मशक्कत के बाद रिसाव पर पाया गया काबू। ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन सिनेमाघरों में ही होगी रिलीज, स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से पूरी होगी फिल्म की अधूरी शूटिंग, हितेश भाटिया ने किया है फिल्म का निर्देशन। टॉक शो में जानवी कपूर ने दिया मजेदार जवाब, किसके सवाल पर कहा कार्तिक आर्यन और विकी कौशल में से विकी को चुनेगी किसके लिए। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।